अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी मेरा फेस का जो स्वेलिंग है थोड़ा कम हो चुका है एंड कल मैंने अपनी बहन मेरी दीदी का मैंने वीडियो देखा और आज उसके चमची का वीडियो देखा। तो दीदी उससे बोल रही थी कि उसके जो एक्यूज्ड होते हैं ना 5 एक्यूज्ड वो कभी हर दिन चेंज होते रहते हैं। कभी मेरे और पहाड़न का नाम डाल देती है मतलब हिमाचली और कभी मन्नत और नकुल का नाम हो जाता है। 3 नाम लेकिन फिक्स होता है और बाकी के जो एक्यूज्ड होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। मैंने अपने दीदी की वीडियो में देखा। फिर आज उसकी जो चमची है जिसको नोट दिया गया है वो बोलती है कि दूसरों का चैनल क्यों, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दूसरों के पेट पे लात पड़े, रोज़ी पे लात पड़े, घर बच्चे संभाल के चैनल चलाना, वीडियो डालना कितना मुश्किल है, मुझे ही पता है। मतलब कि तेरी माँ मेरी चैनल बंद करवाएगी। मतलब अब दीदी तो मेरे चैनल पर कंप्लेन मार चुकी है, एक वार्निंग भी है। अब क्या दीदी मेरी चैनल की अफेयर तो आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने पहले 48 घंटा प्लस 24 आवर्स का टाइम दिया, तब तक भी मैंने वेट किया, ज़मीन पे भी सो गई दीदी, ज़मीन पे सोने की भी आदत डाल ली मैंने, फिर सूखी रोटी खाने की भी आदत डाली मैंने। बोला चलो मेरी दीदी ने अगर कंप्लेन किया अब मुझे जाना तो होगा बेंगलोर, ज़मीन पे सोना है। मेरी दीदी ने बोला था ज़मीन पे सोने की आदत डाल ले 2 साल तक, तो दीदी मैंने ज़मीन पे सोने की आदत डाल ली, सूखी रोटी भी खाने की आदत डाल ली। लेकिन दीदी पुलिस तो अभी तक मुझे लेने नहीं आई। फिर मेरी दीदी ने 24 घंटे का टाइम दिया था। दीदी 24 घंटे का भी टाइम हो जा रहा लेकिन अभी तक पुलिस नहीं आई। दीदी कब आएगी मुझे बता दो। मैं बिरयानी पका के रखती, जरदा राइस वगैरह पका के रखती, उनकी खातिरदारी करती। भाई मेरी दीदी के पास वो लोग मुझे लेके जाने वाले हैं तो उनकी खातिरदारी तो करना ही पड़ेगा। और आप क्या खाओगे दीदी मुझे बता दो, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। गु खाओगे? गु क्या खाओगे आप मुझे बताओ, क्योंकि पहली बार मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। आपने बोला कि ऐसे भी होते हैं चैनल प्रमोट करवा के क्या बोलते थे काम निकलवा के फिर खोपते छुरा ऐसा ऐसा। तो दीदी काम तो आपने ही बहुत निकाला, इसके उसके बारे में वीडियो बनाना, इसके उसके प्रूफ देके वीडियो बनाना, जो प्रूफ मैंने चैनल पे डाली भी थी कि आपने किसकी किसके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए मुझे बोला था, कुछ कुछ डाली कुछ कुछ नहीं डाल पाई। तो दीदी काम तो आपने भी निकाला, फिर जब आपका काम निकल गया, जब मुझे आपकी असलियत पता चल गई, मैंने आपसे पीछा छुड़ाना चाहा तो आपकी ईगो हर्ट होगी। तो इस ख्याल से देखा जाए तो आप भी बहुत स्वार्थी हो। और मैं कल से इंतज़ार कर रही हूँ कि पुलिस आएगी मुझे लेके जाएगी। पता है मेरे नाखूनों में भी थोड़ा थोड़ा मेहंदी मैंने कल लगाया था, मैंने व्लॉग में भी देखो कलर नहीं आया। दीदी मुझसे प्यार नहीं करती, दीदी आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, कल के नाखून पर कलर नहीं आया। और दीदी बोलती है मंगाले तो बहुत उड़ रही है, दीदी मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। तो मैं उड़ूंगी नहीं तो कैसे आऊँगी दीदी, कि स्लीपर का टिकट बुक करवाऊँगी, फ्लाइट से भी बुलाओगी मुझे दीदी अपनी बहन को, फ्लाइट से उड़ के मैं आना चाहती हूँ। विस्तरा एयरलाइंस कहाँ की दीदी पता है ना आपको? आपने विस्तरा एयरलाइंस की आपने फ्लाइट डाली है, टेक ऑफ और होते ही फ्लाइट ऐसे चले जाती है। तो विस्तार एयरलाइंस कहा कि आपको पता है ना नेपाल काठमांडू दिल्ली की है। आप शायद नेपाल गए थे ना दीदी पाउडर लाने, इसीलिए विस्तार एयरलाइंस की डाली मुझे। अब अगर आप फ्लाइट से नहीं बुलाओगे तो स्लीपर में ही आना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा स्लीपर में कहीं। मैं तो कब से राह देख रही हूँ पुलिस। मैं चिकन ला के भी रखी दीदी बिरयानी बनाने के लिए और जर्दा राइस बनाऊँगी। मैं सोची कि दीदी के मायके से लोग आएंगे, मायका ससुराल जो भी है आपका तो सब वहीं पर है, हमारा चलो मायका अलग स्टेट पे, ससुराल अलग स्टेट पे, तो अच्छे से खातिरदारी करूँगी। वो लोग भी जाके बोलेंगे कि भाई तेरी बहन ने क्या खातिरदारी करी, दिन भर से मैं ऐसे दरवाजे में टुक टुक देखती रहेगी, देखते रहे। मैं सोची कि यार मैं थक गई, मेरी आँखें देखो अभी नम हो गई। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दूँ, मैं दीदी को बोल दूँ कि दीदी मैं कल से इंतज़ार कर रही, दिन भर से भी पुलिस की इंतज़ार कर रही, लेकिन पुलिस ने। अब क्या करोगी दीदी, मेरे चैनल बंद करवाओगी आप? क्योंकि आपकी तो सच मेरे चैनल के थ्रू ज़्यादातर बाहर आते हैं, तो क्या मेरे चैनल के पीछे पड़ी हो आप दीदी? चैनल बंद करवाना है आपको? आपकी चमची बोल रही थी ना कि चैनल बंद हो जाएगा। दीदी एफआईआर तो कितनी बार आपने डाल लिया, एफआईआर की कितनी कॉपी दे दी, टाइमिंग भी कितनी डाल दी। दीदी कब आएगी पुलिस? दीदी कब आएगी पुलिस? मुझे आपसे मिलना है दीदी, मुझे आपके पास आना है। और आप बताओ मैं आपके लिए औरंगाबाद से क्या लेके आया हूँ, क्या खाओगी आप? गु खाओगी? गु क्योंकि आप यही खाने लायक हो, क्योंकि आपकी जो हरकत है ना 40 साल 42 साल की उम्र में, अरे
मेरे से तो 10-12 साल छोटी मैं हूँ रे, लेकिन समझ मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ज़्यादा है। एक सेकंड, मेरे तुम्हारे जो बहन के बच्चे हैं ना बहुत परेशान कर रहे दीदी। इब्राहिम, इब्राहिम, वो भी इतने खुश है कि मम्मी जा रही है मासी से मिलने। वो लोग भी बच्चे दरवाजे के सामने बैठे, पुलिस कब आएगी, मम्मी को कब लेके जाएगी। लेकिन पुलिस बेचारी आ ही नहीं रही है। अब कैसे आऊँ आपके पास, टिकट बुक करा दो दीदी, मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। अरे मेरा बच्चा, बोल दो हाय, बोल दो हाय, बोल दो हाय, बोल दो हाय, हाय बोल दो, हाय बोल दो। अरे 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 सोनो, बोला हाय हाय सना, हाय बोल, आई लव यू बोल दो। मिट्टू दे दो पहले, अरे मिट्टू दे दो, मिट्टू दे दो। हाँ हाँ, बोला आई लव यू, बोला हाय हाय, बोला हाय हाय, बोलो वाओ वाओ वाओ, बोल दो, बोलो वाओ। अच्छा बाय बोल दो, बाय। हाँ से ऐसे करके बाय बोल दो, ऐसे करके बाय बोल दो, बाय। अच्छे से बाय बोल दो, बाय। हाँ बोल दो वाओ वाओ, मिठू दे दो। अब जाओ खेलो जाओ। तो मैं यही बोल रही थी, नन्हे मुन्ने मेरे जो फरिश्ते हैं, कि बहन तेरी तो तूने 40 साल 42 साल तेरी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ तेरे आधार में जितना भी है, लेकिन मुझे लगता है ना तेरी समझ जो है ना वो मुझसे भी बहुत मतलब के नीचे का है, क्योंकि तू ना समझदारी से काम लेती ही नहीं है। अब तो तूने इतना मतलब कि वो कर दिया, अरे तू जिसको माँ बोलती है उसको तक तूने गाली दे दी। कल रिकॉर्डिंग में सुना मैंने, मतलब हद होती है यार। तूने अपने मरे हुए फेम के चक्कर में तूने अपने मरे हुए बाप को तक इस्तेमाल कर डाला। अरे तू अगर अच्छी लड़की होती ना, मैं बोल रही तू अगर अच्छी लड़की होती ना तो चीज़ों को लेट गो करती, ठीक है, चीज़ों को लेट गो करती। कम से कम तेरे मरे हुए बाप के लिए तू चीज़ों को लेट गो करती, अगर ऐसा कुछ था भी। अब तो मैं पक्का, मैं एकदम क्या बोलूँ, मैं अब मैं पक्का मतलब कि श्योर हो गई कि तू जो बोल रही थी कि तेरे बाप के साथ सायरा सत्तानी का कुछ था ऐसा वैसा, तो मुझे तो तेरे बातों पर कहीं भी यकीन नहीं, क्योंकि तू ये रिकॉर्डिंग डाल सकती है, मेरा रिकॉर्डिंग डाल सकती है, दूसरों का रिकॉर्डिंग डाल सकती है, इसको उसका रिकॉर्डिंग डाल सकती है, मन्नत कारी भाई का सबका रिकॉर्डिंग डाल सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि तेरे बाप का अगर सारा सत्तानी का कुछ था पास्ट में और तेरे पास वो प्रूफ है तो तू नहीं डालेगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, देख तेरा बाप तो छोटा बच्चा था नहीं, अब वो दुनिया में नहीं है, मुझे बोलने का हक भी नहीं है वो कि मेरा ना से किसी और का बाप है, और एक मरे हुए इंसान के बारे में बोलना नहीं चाहिए। बट जो फैक्ट है मैं वो बता रही हूँ, मेरी भी माँ नहीं है। मान ले तेरे बाप का सारा सत्तानी का कुछ भी था, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बाप की इज्जत के खातिर तुझे वो बात बाहर निकालनी नहीं चाहिए थी। देख बदला तो कुछ ले नहीं पाई, और तुझे बदला लेना था तुझे लेके नहीं जाना था, ठीक है, जो तू कभी गई ही नहीं है, तो फॉल्स है तो फेक है, ठीक है। रहा सवाल तेरे बाप का और सायरा सत्तानी का रिलेशन का, तो मैं तो ये सच मानती नहीं, क्योंकि सच अगर होता तो प्रूफ डालने में तो एक सेकंड देरी नहीं लगाती। दूसरी बात, अगर कुछ था भी तो सायरा सत्तानी अकेले की एक्यूज़ नहीं है, कुछ तेरा बराबर का तेरा बाप भी है, क्योंकि वो अगर तेरे बाप से ले रही थी तो तेरा बाप भी दे रहा था। अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं तेरी बात करूँ तो तू बोल रही थी कि सारा सत्तानी ने तेरे बाप को लूटा ऐसा वैसा, बहुत पैसे लिए, तेरे भाई कज़न ब्रदर की बर्थडे में भी वो लोग आते थे, तो भाई वो अगर लेने को बैठी है तो तेरा बाप दिया क्यों, ठीक है, तेरे बाप ने दिया क्यों। भाई तेरा बाप भी तो बच्चा, छोटा बच्चा तो नहीं था ना इब्राहिम की तरह, मैच्योर आदमी था, बच्चों का बाप थे वो। तूने बोला कि तेरी बहन का नाम रेशमा, सारा सत्तानी को तेरा बाप प्यार से रेशमा बुलाता था, तो वही नाम तेरी बहन को रखा तेरे बाप ने, ठीक है। तो मैं मानती हूँ एक बात की बात, अगर मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में हूँ और मैं अगर किसी को दे रही हूँ, मान ले मैं तू मेरी बहन है, मैं तेरे को ही दे रही हूँ, तो तू ले क्यों रही है, और अगर तू ले रही है तो तू अगर इसमें गलत है तो मैं दे रही हूँ उसमें मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं तो छोटी बच्ची हूँ नहीं कि मुझे अपना सही गलत समझ में ना आए, और मैं सिर्फ देती ही जाऊँ, है ना। तो ये तूने अपने बाप की जो इज्जत है ना, अपने मरे हुए बाप की इज्जत, वो ही तूने नहीं रखी, तो तू रिहाना बॉस को तो क्या ही रखेगी रे। और तूने इससे पहले मेरे सामने भी रिहाना बॉस को गाली दिया था, बट
मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मैं काम की जल्दीबाजी में थी, इसलिए मैं तू तो नशे में क्या बोलती, तुझे ही याद नहीं आता तू क्या बोलती, मेरे को बोली थी मर जा ये वो, मेरे को ज़िंदगी में किसी ने नहीं बोला मर जा, लेकिन पहली बार तूने बोली। तुझे पता है तू अगर मर गई ना आज, मैं तुझे बोलती हूँ, तू ना घर की है ना घाट की है, तू अगर मर गई ना तो तेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं अगर मर गई ना तो दो दो जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी, मेरे बच्चों की, मेरी बेटी की और मेरी बेटी की। तो मैं जो हूँ ना, मेरी जो जान है ना, वो दो इंसान के लिए दुनिया में सबकी छोड़ दे, दो इंसान के लिए बहुत कीमती है रे, बहुत कीमती है। तू तेरी जान की तो कोई वैल्यू नहीं है, पूछ क्यों, क्योंकि ना तू अपने बच्चों की है, ना माँ बाप की है, ना शौहर की है और ना बॉयफ्रेंड की है। ठीक है, तुझसे शादी करके ना वो एंथनी जैसे सर पीट रहा होगा कि कौन से मनहूस से मैंने शादी कर ली, और तुझे सबको बोलते ना मरने की बात, तुझे मरना चाहिए, यू शुड डाई। तू पता है तू ना एक अच्छी माँ बन पाई, ना एक अच्छी बेटी बन पाई, ना एक अच्छी पत्नी बन पाई, ठीक है, अच्छी बेटी इस तरीके से नहीं बन पाई, क्योंकि तू अगर अच्छी बेटी होती ना तो अपने माँ बाप की इज्जत को ना ढक के रखती। ठीक है, अगर तेरे बाप ने अगर जवानी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, तूने सब फेम के लिए किया है, नेम के लिए किया है, पैसों के लिए किया है, क्योंकि तुझे पता है अभी यूट्यूब ही अच्छा ज़रिया है, और तो बोलते सब कुछ तेरा चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ, लेकिन तेरा चैनल मोनिटाइज नहीं होता तो ज्वाइन का ऑप्शन आता ही नहीं है। खैर वो सब तो जाने दे, तूने अपने तू सस्ती और थे महंगे नशे के लिए तूने ये सब किया। दूसरी बात, अगर मान ले तूने बाप के बदले के लिए भी तूने ये सब किया ना, तो मुझे लगता है कि अगर तू अच्छी बेटी होती ना और तुझे पता होता ना ये सब चीज़ें, तो दबा के रखती तेरे मैं क्या बोलूँ, मरहूम वालिद का ना तू ये वालिद मतलब पता है ना पापा, तो मरहूम वालिद का तू इज्जत ऐसे ऐसे सोशल मीडिया में नहीं उछालती, क्योंकि नाम अगर सायरा सत्तानी का ख़राब हो रहा है तो कहीं ना कहीं नाम तेरे बाप का भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसमें तेरा बाप का नाम भी जुड़ा हुआ है कि सायरा सत्तानी का अफेयर उसके बाप के साथ था करके उसकी बेटियाँ ही बदला लेने, जो कि ऐसा है नहीं, तूने पता नहीं कौन सी हिंदी मूवी देख ली और उसके करेक्टर में बहुत ज़्यादा तो घुस गई मुझे लगता है, जिससे तू बाहर नहीं निकल रही है। दूसरी बात, अगर एक अच्छी पत्नी होती ना बच्चों के साथ पति को छोड़ती नहीं, और तीसरी बात अगर तू अच्छी माँ होती ना तो बच्चों को तो हर हाल में चाहे पति के साथ तेरा रिश्ता कितना भी मतलब करवा हो जाए, लेकिन बच्चों की तरफ देख के छोड़ती नहीं, क्योंकि बच्चों को ना माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों की बराबर ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ना एक अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ होने के लिए ना एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि तू कतई नहीं है, जो तू कतई नहीं है। अगर तू अच्छी एक इंसान होती ना तो तू ये जो सोशल मीडिया में क्या आके गंद बकती ना, यूजलेस, बेसलेस, शेमलेस होके तुझे यूजलेस, बेसलेस, गंद बकती ना, तो वो तू बक नहीं पाती। ठीक है, और मुझे लगता है ना एज ए मदर, एज ए ह्यूमन बींग, तेरी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी ना तेरे बच्चे हैं, तेरी बेटियाँ हैं। ठीक है, तो ये सब सोशल मीडिया में तो एक तेरी इमेज तो ख़राब होगी, तुम्हें एक चैनल बंद करवाएगी, आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर तुम्हें एक चैनल बंद करवाएगी ना मैं दूसरा चैनल खड़ा करूँगी ही करूँगी, और उसमें से तेरी बजाऊँगी, बैंड बजाऊँगी, और तू 48 घंटे, 24 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, जितने भी घंटे दे दे, मैं औरंगाबाद से नहीं हिलूँगी। अगर तू एक बाप की है ना तो मुझे हिला के दिखा दे औरंगाबाद से, और अगर मैं एक बाप की हूँ ना तो जितना भी हिला ले मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी। तो देखते चल किसके बाप के खून में कितना है दम। मैं उड़ रही हूँ ना, हाँ मैं बहुत ज़्यादा उड़ रही हूँ, क्यों पता है, क्योंकि मैं तुझ जैसी घटिया नहीं हूँ। मैं तो बोलती ना मैं अपने माँ बाप के नहीं हूँ, तू अपने माँ बाप के नहीं, पता है क्यों, क्योंकि तू अपने माँ बाप की इज्जत उछालती है। मैं अपने माँ बाप की हूँ करके, माँ बाप के इज्जत के खातिर इतना सब कुछ एडजस्ट कर रही हूँ, माँ बाप का कोई आके उंगली उठा के सोशल मीडिया में भी नहीं बोल सकती कि पता नहीं उसकी माँ बाप ने कैसे परवरिश दी, इतनी घटिया करेक्टर की है। ठीक है, मेरे माँ बाप भी माँ तो नहीं है, बाप है, लेकिन मेरा बाप भी मेरा वीडियो देख के कहीं ना कहीं प्राउड फील करता होगा कि बच्चों को संभाल के, पति संभाल के, घर संभाल के मैं चलती हूँ। दूसरी बात, मैं माँ बाप के साथ पति की भी हूँ, पति ने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी आज तक उसको माफ़ करके घर बसा रही हूँ। वक्त वक्त की बात है, होता रहता है, एक ना एक टाइम उसको समझ तो आ ही गई है, इंशाल्लाह आगे भी उसको पछतावा होगा। बच्चों की भी हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मैं इतना एडजस्टमेंट कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, सोशल मीडिया में आई हूँ या फिर पति के साथ इतना मन मुटाव होने के बाद भी जो भी एडजस्टमेंट कर रही हूँ बच्चों के लिए कर रही हूँ। और ये सब करने के लिए ना एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं हूँ। और ये तेरे जो कुछ पेड या फिर तेरे फेक अकाउंट्स आते हैं जो तू कमेंट करते हैं ना, आई रियली डोंट गिव अ फक। और मैं ना ऐसे कमेंट करने वाले को सीधा ब्लॉक मार देती हूँ, क्यों, मुझे पता होता है कि ये तेरी फेक अकाउंट है। ठीक है, तो तू ये बात तो मुझे बोल मत कि मैं अपने माँ बाप की नहीं हूँ, क्योंकि माँ बाप की तू नहीं है। अगर होती तो सोशल मीडिया में के अपने बाप के बारे में
एटलीस्ट अब के बाप के बारे में ये ऐसा गंध नहीं बख सकती थी। ऐसा गंध तो कभी भी नहीं बख सकती। अगर तेरे बाप का ऐसा कुछ होता भी तो नहीं बख सकती थी। और तुझे लेना था ना बदला, तो तू लीगली जाती है। सोशल मीडिया में नेम फेम और पैसे के लिए तो ऐसा कभी नहीं करते। हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं भाई कि हम बच्चों के फ्यूचर के लिए आए, दो पैसा कमाने के लिए आए हैं, है ना। तेरे तरह ये फेक नहीं बनता। तू अगर जैसे बोली ना तूने कल के प्रमोशन के लिए आ जाती है ऐसा वैसा, तो बहन मैं अगर तेरे पास प्रमोशन के लिए आई ना, तो तूने भी मेरे से बहुत कामा निकाले। सारा सताने के खिलाफ वो डालो। ये जो स्ट्राइक मिला है ना मुझे, वो तेरी बदौलत मिला है। जो तूने मुझे दिया था ना टिकटॉक का वो वीडियो कि ये चलाओ सारा सताने का दारू पीने वाला, उसी वीडियो में स्ट्राइक पड़ा और वो तेरी बदौलत पड़ा। सारा सताने से पहली स्ट्राइक मुझे तेरी बदौलत पड़ा। दूसरी बात, वो ड्राइवर की बीवी के बारे में ये डालो वो डालो, वो तूने 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 जो कामा तू बोल रही है ना, वो कामा तूने। और क्या प्रमोशन किया तूने, क्या प्रमोशन किया? मेरी वीडियो उठा के क्रम में यूट्यूब पे डाली अपनी, तो वो वीडियो डाली तूने जो वीडियो तूने बनाने के लिए बोला था। समझ में आया? जो वीडियो तूने बनाने के लिए बोला था ना, वो वीडियो डाली। तो ये जो फाउल गेम है ना, वो मेरे साथ तो खेली मत, मेरे साथ बिल्कुल मत खेल। क्योंकि ना मैं मच्छी के कांटे से निकाल के मैं मच्छी खाती हूँ। बंगाली हूँ, बंगाली का खून है। भले ही मेरी आगे की नस्ल मुसलमानों का है, लेकिन खून मेरा बंगाली का है। तो ये गेम तो मेरे साथ खेल मत। मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू एक बाप का है ना, तो मुझे औरंगाबाद से हिला के देखा। मैं तेरे को बोल रही हूँ, तू मुझे औरंगाबाद से हिला के देखा। और तू मेरा एक चैनल बंद करेगी ना, कसम खुदा की कसम मेरे इब्राहिम की, मैं दूसरा चैनल खड़ा करूँगी। चाहे मुझे इसके लिए किसी की भी मदद लेनी है। शुरू शुरू में तो नहीं थी, अब तो मुझे इतनी यूट्यूबर्स जानते अब तो मुझे, अब तो इतने कंटेंट है मेरे पास और इतनी यूट्यूबर्स जानते हैं मुझे। किसी न किसी के तो थ्रू मैं अपना चैनल प्रमोट करवा ही लूँगा। हर दिन एक एक चैनल में से प्रमोट करवाऊँगी। तो ये जो गिदर भपकी है ना, वो किसी और को देखे कि बंगाली के आगे नहीं चलने वाली। और तू जो बोलती है ना एड्स पेशेंट, वो पेशेंट, ये शायद बीमारी तुझी होगी, ये बीमारी तुझे होगी, मुझे नहीं। क्योंकि जो तू नशा करती है ना, जो तू चद्दरों की तरह जो मर्द बदलती है ना, बिस्तर की बेडशीट की तरह तू जैसे मर्द बदलती है ना, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ। और ये ना मुझे चाहे भले ही गुस्से में बहुत कुछ मैंने भी बोला, तो जिसकी बात करें ना सना भाभी की, तो सना भाभी को भी मैंने गुस्से में बहुत गंदी गालियाँ दी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सुन के लिए, मैंने भी उनको दिया, जाके पूछ ले और मैं ऑन वीडियो में बोलूँ। ये तब की बात थी जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है, अभी की बात नहीं है ये। और दूसरी बात, ये जो तू बार बार तेरी और तेरी जो क्या बोलते हैं वो चमची बोलती है ना, एक्सप्रेशन, देख मैं आज तक ना किसी को बद्दुआ दे नहीं, ना ऑन कैमरा ना ऑफ कैमरा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि तुम जिससे लेचर लोग मुझे मिले नहीं हैं अब तक। और कि किसी के साथ मेरा झगड़ा भी हुआ था ना, तो आप सब कुछ नॉर्मल है। हम वैसे लोग नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम लोगों के साथ सिर्फ दुश्मनी और बाप का बदला माँ का बदला निभाए। इंसान है, कभी कभी हो जाते हैं इंसान के बीच में क्लैशेस, लेकिन अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलती समझ के माफ़ी मांग के आगे बढ़े। तो देख मैं एक ईमान वाली औरत हूँ, ठीक है, और गुनाह हर कोई करता है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी मैं बहुत पाक साफ औरत हूँ, या फिर कोई मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान है वो कोई पाक साफ औरत है। हर कोई गुनाह करता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। तू तो नहीं है, बिल्कुल भी मुसलमान नहीं है, तो मैं खुद बोलती हूँ तू तो मुसलमान नहीं। तूने आज तक अपने आइडेंटिटी कार्ड पर अपना नाम ही चेंज नहीं किया, वही तेरा नाम है, ठीक है। लेकिन मेरा आइडेंटिटी भी चेंज हो चुका है। खैर जो भी है, आइडेंटिटी चेंज हो या ना हो, खैर जो भी है, बट आज तुझे मैं बद्दुआ देती हूँ कि वो औरत ने शायद एक ही बार बोला, सना भाभी ने शायद एक ही बार, उसके बाद कभी नहीं बोला। लेकिन तू और तेरी जो चमची जैसे मुझे गंद मेरे बारे में एड्स पेशेंट बोल रही है ना, एड्स तक सिर्फ सेक्स करने से नहीं होता है, बहुत तरीके से फैलती है। नीडल्स डालने से भी होता है, पता नहीं कैसे कैसे होता है, मुझे तो पता भी नहीं। क्योंकि मेरे तो ये बीमारी नहीं है, और बीमारी है तो भाई तू प्रूफ दिखा दे। मैं तो बोल रही हूँ जिस दिन तूने प्रूफ दिखा दी ना, मैं तुझसे माफ़ी मांगूंगी वीडियो डाल के, और मैं उसी दिन मेरा चैनल डिलीट कर दूँगी। खैर जान दो वो सब छोड़। लेकिन तुझे और तेरी चमची को एक बद्दुआ देती हूँ कि तुम तेरी और तेरी बेटियाँ और तेरी पाकिस्तानी चमची और उसकी बेटियों को, अल्लाह करे अगर मेरा ईमान उसके लिए सच्चा है और मैं एक पाक साफ ईमान वाली औरत हूँ, तो अल्लाह करे ये जो बीमारी तुम लोग मेरे नाम पे बोल रहे हो ना, अल्लाह करे ये तुम लोगों को हो। ये अगर मेरा अल्लाह है और मेरे अल्लाह ने मुझे इस्लाम में लाया है कुछ देख के, और मेरा ईमान अगर पाक साफ है, तो अल्लाह करे मैं बोल लूँ कसम मेरे खुदा को मेरे ईमान की, अगर वो है तो ये बीमारी तुझे और तेरी बेटियों को हो, और उसको और उसकी बेटियों को हो। मैं तुझे आज ये बोलती हूँ, मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, लेकिन आज ऑन कैमरा दे रही हूँ तुझे।
कसम मेरे खुदा को, मेरे ईमान की, और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर करके बोल रही हूँ, जो ये तू एज पेशेंट एज पेशेंट एज पेशेंट लगा के रखी है ना, तो ये बीमारी तुझे और तेरी बेटियों को हो, और उसको और उसकी बेटियों को हो। अल्लाह तुम लोगों को कभी ना बख्शे, क्योंकि बीमारी को लेके भी तुम लोग इतने नीच तरीके से बात कर, अगर उसने बोला भी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है तेरे को भी, तो मैं क्या बोलूँ कि उसने बोला है तो मैं ये कंटिन्यू करूँ, मुझे जो मन आता है मैं वो तेरे को बोलती हूँ कि इसने तेरे को सनवा भी तेरे को बहुत कुछ बोलती है, कट्टो वट्टो ये वो, मैं तेरे को कट्टो बोलती नहीं बोलती, मैं क्या बोलती तेरे को कटेली दीदी मैडम माया, लेकिन तुझे पता है मेरी बहन ने तुझे बोला होगा ना, मेरी बहन तो तुझसे मिली हुई है, मेरी एक्स बहन जो जिसको तो मैं वो मर भी जाए ना तो उसको मैं पानी भी ना दूँ, इतनी नफरत हो गई मुझे उससे, तो मेरी बहन ने तुझे बोला है कि इससे ये ट्रिगर वर्ड है, ये उसको बोलो तो वो ट्रिगर हो जाएंगी, तो खैर मैं ट्रिगर होंगी नहीं, लेकिन जिस बीमारी का तुम लोग मजाक बना रहे हो ना, जिसके ऊपर होती हो, वो लोग जानते होंगे, जो ये पेशेंट जो है उनको पता होगा, बट तू उस बीमारी के नाम पे जो मजाक तू उड़ा रही है ना, फिर तेरे चमची कैंसर पेशेंट के नाम पे, तो मैं बोलती ये दोनों बीमारी, ये दोनों बीमारी तुम लोगों को लगे, अल्लाह को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर करके बोल रही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं रोज़ मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खुदा की मैं रोज़ जब भी हाथ उठाऊँगी ना, सबसे पहले दुआ में यही मांगूंगी कि तेरी और तेरी जो पालतू कुतिया है, तुम दोनों और तुम दोनों की बेटियों को यही बीमारी दे ऊपर वाला, 100 दिन दुआ मांगूंगी, एक दिन तो कबूल होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा। और कहता है कि ईमान वालों की जो बोलते हैं ना कि दुआएं जल्दी कबूल होती है, तो अगर ये सच है तो होगा ज़रूर। चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त।